वेलकम टू जायकास किचन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरी किचन में रेसिपी बनने जा रही है व्यूवर्स, वो रमज़ान में हर घर में बनती है, हर चौक में इसकी एक दुकान है, जगह जगह पे लोग रेड़ियाँ लगा के खड़े होते हैं और लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। या समझ गए हैं आप चीज़ें इंग्रेडिएंट्स को देखकर। आज मैं बना रही हूँ जनाब दही फुल्की। इसके लिए मुझे चाहिए फुल्कियाँ, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 250 ग्राम। इनको मैंने पानी में सोख करके इनका पानी निकाल दिया था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 200 ग्राम। दही है मेरे पास यहाँ पे जो ऐड करेंगे हम 500 ग्राम। इसके लम्स निकाले हुए हैं। टमाटर एक दरमियानी साइज़ का है, कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मिक्स सैलड यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जिसमें कैबिज है, ओनियन है, कैरेट है और आप इसके अंदर चुकंदर खीरे वगैरह भी ऐड कर सकते हो। एक हरी मिर्च भी है और यहाँ पे मेरे पास खुबानी की चटनी मौजूद है और चाट मसाला जितना आपने डालना है वो, ये भी घर का बना हुआ है, इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। पुदीना यहाँ पर है मेरे पास 1/2 कप और ज़ीरा यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा 1/2 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास नमक था। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पुदीने की चटनी बना के दिखाऊंगी जो कि हम दही में डाल के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास छोटा स्मॉल सा मेरे पास हमाम दस्ता है, इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया है और साथ ही नमक ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा क्रश करूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं मेरे पास ये रोस्टेड ज़ीरा है। रोस्टेड ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार किस्म का आता है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है और इसी को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पुदीने के साथ और ये चटनी से इसकी तैयार कर ली है। जनाब ये देख सकते हैं चटनी बहुत अच्छी सी बना ली है मैंने। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने सारी फुल्कियों को किस तरह से असेंबल करना है। यहाँ पर मैंने जनाब एक बोल ले ली है। बोल के अंदर यहाँ मैंने इसमें मौजूद मेरे पास थी जो फुल्कियाँ पहले से मैंने भिगो के रखी हुई थी, नरम हो चुकी हैं, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके बाद मैंने आलू डाल दिए। आलू आप अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं, मुझे इस साइज़ की पसंद है इसलिए मैंने ये साइज़ यही रखा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें आप लोग सेपरेट भी कर सकते रख सकते हैं, जिसकी मर्ज़ी है वो डालना चाहिए डाल दें। उसके अंदर मैं सैलड ऐड कर दूँगी, थोड़े से टमाटर, कैबेज वगैरह और ये साथ में ऑनियन और ये कैरेट वगैरह थोड़ी जो मैं रख रही हूँ। ये एक मैं एक सिंगल असेंबल आपको करने को बताऊँगी सर्विंग के, वो किस तरह की। ये मिक्स करने के बाद इसके, ये देख रहे हैं आप लोग कैमरे की आंख से, इसके मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया सब चीज़ों को, ऊपर नीचे कर दिए देखे ज़रा। अब मैं दही लेके हाफ और जो मैंने अभी पुदीने की चटनी बनाई आप लोगों के सामने, इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पुदीने की चटनी लेकर इसमें ऐड कर दूंगी और इसको खूब अच्छी तरीके से इसको लम्स को निकाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर पोर करने लगी हूँ और ये देखिए जनाब मैंने इसके ऊपर पोर कर दी है ये सारी, और आधी अभी मेरे पास पड़ी हुई दही। अब ये पोर करने के बाद ये देख रहे हैं कितनी अच्छी ज़बरदस्त इस किस्म की इसकी आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी कैमरे में, क्या लुक निकल के आई। अब इसके अंदर मैं खुबानी की चटनी डाल दूँगी। कुछ लोग बाज़ार में मार्केट में जितने लोग इस्तेमाल करते हैं वो इमली की चटनी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स में हेर फेर की होती है। यहाँ पे चाट मसाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैं कम खाते हैं हम लोग यहाँ पे तो मैं इसमें कम ही ऐड करूँगी, बाकी मैं सेपरेट रख दूँगी, जिसको ज़रूरत होगी वो अलग से अपने अपने बाउल में निकाल लेगा। ये लीजिए जनाब मज़ेदार किस्म की आपकी दही फुल्की तैयार हो चुकी हुई है। अब जिस जिसने खानी है वो अपने हिसाब से अपने बाउल में चीज़ें निकाले और ज़्यादा इन्ग्रीडियंट डालना चाहता है तो वो उसमें ऐड कर देगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिंगल सर्विंग के लिए बताती हूँ कि सिंगल सर्विंग आपने किस तरह करनी है, कि उसको सैंपल किस तरह करना है। ये मैंने बॉल में मैंने साइडों पे टमाटर लगा दिए ताकि वो शीशों के सेट में से नज़र आए बॉल के, और इस मीट में निकालते हुए आपको दिखा रही हूँ इसको बाकी ज़्यादा, यानी कि जैसे कि बाज़ार में हम लोग को एक प्लेट खूबसूरत सी तैयार करके देती हैं जो हमारी आँखों को अच्छी लगती है और दिल चाहता है कि हम फ़ौरन इसको चट कर जाएँ। अब इसके अंदर मैं ऊपर से ज़्यादा सारी इसके ऊपर दही पोर कर दूंगी, वो आप मुझे बस फॉलो करते जाएं।
अब मैंने दही इसके ऊपर मिक्स किया, दोबारा से मैंने चटनी लेके और उसको मिक्स कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसके ऊपर दही पोर कर दी सिंगल सर्विंग में। अब देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि दिल चाह रहा है बस ऐसे ही खा रहे हैं। कुछ लोगों को मीठी चटनी नहीं पसंद देती तो आप ना भी डाल सकते हैं, कि आपकी मर्ज़ी के नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ऊपर से पहले मैंने खुबानी की चटनी डाली क्योंकि मुझे पसंद है मीठी चटनी, इसलिए मैंने डाली। आप नहीं डालना चाहते आप स्किप कर सकते हैं। और अब ऊपर से थोड़ा सा सैलड डाल दिया मैंने, थोड़ी सी कैरेट, थोड़ा सा ऑनियन, और अब ऊपर से मैं थोड़ा सी खूबसूरती के लिए लगा दूँगी इसके ऊपर पुदीने के लिए। और फिर ये लीजिए जनाब, ये मैंने ज़बरदस्त किस्म की सिंगल सैंपल कर दी है आपको सर्विंग। आप इसको अभी से चटपट खा जाएं। और ये मज़ेदार किस्म की फुलकी तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं, दिल चाह रहा है बस ऐसे ही खा जाए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती है अगली रेसिपी।